फैमिलियर सर जी। हाँ नहीं नहीं भैया आप आओ। राष्ट्रीय कर दिया आपसे भैया। वैसे आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है, कुछ भी नहीं है। धनीबंद परिवार के हम मैं खलाटे सर शशिधर, लेकिन ये 13 साल की रिकॉर्ड ब्रेकिंग जो भीड़ यहाँ पे है, इसलिए मैं शैलेंद्र सर, रविंद्र सर और पूरे सारे आप सब एक सुपर हिट डायमंड्स, एग्जीक्यूटिव डायमंड्स, डायमंड्स रूबी पर्ल्स और उन पे भरोसा रख के जितने आप सब आए हो उन सबको मैं प्रणाम करता हूँ। वैसे आपको मिलने का भी रास्ता में देख रहा हूँ, कहाँ से ऊपर जाने के लिए रास्ता है, लेकिन कहीं नजर नहीं आ रहा है। बाहर से है क्या? तो बाहर से जाना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि वो सब कहेंगे ये नजदीक है तो आपको मिल गए। हम इतने दूर है लेकिन मैं आपके पास जाता हूँ, इनके पास थोड़ा कम हूँ। आई एम विद यू ऑल। मुझे पहले आपसे जान लेना है कि आप इतना सब क्यों हमसे प्यार करते हो? ऐसे क्या चीज है धनवंतरी के पास कि आप इतने दूर से इतने कष्ट उठाकर यहाँ पे मौजूद होते हो और हमें सुनने के लिए, हमें मिलने के लिए इतना दिलचस्प बनते हो? इसकी वजह क्या है भाभी? बिलीव, भरोसा। ओके, और भरोसा किस पे? मेरे ऊपर भरोसा है और प्रोडक्ट के ऊपर। ओके, प्रोडक्ट के ऊपर भरोसा है, प्रोडक्ट पे है, हमारे ऊपर मैनेजमेंट के ऊपर है। तो वही भरोसा देने के लिए ढाई साल हो गए, ढाई साल के बाद हम आपको मिलने आए हैं, तो आप सबका शुक्रिया कर रहे हैं और आपको बहुत बड़ी शुभकामनाएं देकर मैं मेरे चंद लफ्ज आपको यंग जनरेशन इज लॉट ऑफ यंग जनरेशन तो उनके लिए कुछ कहूंगा कि क्या करना है आपको। राइट, आपने देखा है कि धनवंतरी इंस्टीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एक डॉक्टर फैमिली के साथ खलाटे सर और गुरुंदर सर जुड़ गए और एक डॉक्टर फैमिली के साथ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो, न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट हो, ऐसे प्रोडक्ट लेकर कंपनी यहां पे आई है और पिछले 13 साल के अपने पूरे इंडिया पर धमाका मचा रही है। वैसे तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, इसलिए आप यहां आप कहते हैं कि भरोसा है, वेरी गुड, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अगर ये नहीं होती तो आप यहां नहीं आते, क्योंकि जो भी सारी कंपनियां होती है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है, रिटेल बेस्ड कंपनी जो होती है, वहां पे क्या होता है कि मैन्युफैक्चर के बाद रहते हैं देश के डिस्ट्रीब्यूटर, स्टेट के डिस्ट्रीब्यूटर, जिले के डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। उसमें आप जैसे लोगों को, आप जैसे बिटिया, आप जैसे लोगों को कई मौका मिलता है क्या? रिटेलिंग करते जो है दुकान डालना पड़ता है ना, और आपको तो ये दुकान डालने की कोई गुंजाइश नहीं है, किराए की जगह लेनी पड़ती है, पैसा लगाना पड़ता है और आपके तो दिल में प्रोडक्ट लेते लेते ऐसे कुछ रिजल्ट आपको सामने आते हैं, आपके खुद में हो, खुद के पास हो या किसी रिश्तेदार के पास हो या किसी दोस्त के पास हो, आपको ऐसे प्रोडक्ट रिजल्ट मिलते हैं कि आप चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट मुझे चाहिए और मेरे साथियों को, मेरे रिश्तेदारों को,
मेरे नजदीक के लोगों को मैं प्रोडक्ट देना चाहता हूं, बराबर ना। लेकिन रिटेल मार्केट में ऐसा होता है क्या भाभी? नहीं, ये दुकानदार वहां बैठा होता है, आपको उसका एक आध चीज पसंद आई तो आप कहते हो साथी को कि अरे उनके दुकान में ना ये चीज बहुत बढ़िया है, उनके दुकान में ना ये साड़ी बहुत बढ़िया है, आप कहते हैं, बिल्कुल कहते हैं, और ये दुकान का आप एडवर्टाइजिंग करते हो। लेकिन बोल बेटे, उस दुकान का एडवर्टाइजिंग कर दिया, इस दुकान के बारे में आपने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट आपको वहां मिलेगा और ये आप लेके आइए, उस प्रोडक्ट का आपने बहुत 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 बारे प्रोडक्ट के बारे में बोला, अब वो आपका आपने जिसको कहा है वो प्रोडक्ट लेके आए भी, तो क्या ये सारे व्यवहार में आपने जो भी एडवर्टाइजिंग उस चीज का किया उसके लिए कुछ मिलता है क्या? आपको कुछ मिलता है क्या? ये खूबी है नेटवर्क मार्केटिंग की। नेटवर्क मार्केटिंग में अगर मैं कोई प्रोडक्ट लेता हूं, कंज्यूम करता हूं, उसके रिजल्ट मिलते हैं, तो मैं बार बार लगातार वही प्रोडक्ट परचेस करता हूं, तो पहले मेरा मुनाफा होता है, रिपर्चेस कमीशन मुझे मिलता है, फिर रेफरल पॉइंट्स मुझे मिलते हैं, हल्का सा कैशबैक मिलता है, ये सारी जो गुंजाइश है ना, ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग जो पैरामीटर्स है उसमें है। आप भी देखो ना, आपको भी किसी ने दावत दी होगी कि आज यहां पे प्रोग्राम है तो आप सुनने के लिए चलिए, कितने प्यार से आपको यहां बुलाया होगा ना। ये प्यार वाली चीज है, मतलब आपका कोई साथी जो आपको यहां आपके घर से इतने दूर तक जो प्यार से यहां पे लेके आया है, आपको बोलता है हाँ यहां बैठिए, यहां सुनिए, ये हमारे चेयरमैन है, ये हमारे प्रोडक्ट है, क्या रिटेल मार्केट में कोई आपको इतना क्या बोलते हैं कीमत देता है, मतलब आपको प्यार देता है कोई रिटेल मार्केटिंग में? नहीं। दूसरी बात है, रिटेल मार्केटिंग में वो बंदा खुद खड़ा होकर खुद बड़ा 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 होता है, बराबर नहीं, वो खुद उसका आपको बोलेगा हाँ बिटिया करके खुद बड़ा होगा, लेकिन बिटिया को अपने पॉकेट से कुछ नहीं देगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में आपका जो स्पॉन्सर होता है, आपको राह दिखाने वाला बंदा जो होता है, वो आपका भी भलापन चाहता है, आपकी भलाई सोचता है।